राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी करने के एक मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को असम की एक कोर्ट ने समन भेजा है। राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया गया और इसी सिलसिले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें समन भेजा। मामला पिछले साल बारपेटा के एक मंदिर में एंट्री से जुड़ा हुआ है। कामरूप के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट संजय हजारिका ने 21 सितंबर को राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने और भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मुकदमे का सामना करने को कहा। आपको बता दें कि इस धारा के तहत अगर किसी को किसी दूसरे शख्स की मानहानि करने का दोषी पाया जाता है तो उसे जेल जाना पड़ सकता है और सजा की अवधि अधिकतम 2 साल तक की भी हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर सजा और जुर्माना दोनों साथ हो सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 2 अगस्त को मामले की सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने तब राहुल गांधी को बतौर आरोपी समन भेजने के बारे में 6 अगस्त को फैसला देने को कहा था। राहुल के खिलाफ CGM कोर्ट के RSS के वॉलंटियर अंजन बोरा ने इस बारे में मामला दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल ने यह कहकर संघ की छवि को खराब किया था, RSS के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बारपेटा सत्र में घुसने नहीं दिया। वाक्या 12 दिसंबर 2015 का है। बोरा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी 12 दिसंबर 2015 को सत्र में जाने वाले थे, लेकिन वो खुद ही वहां नहीं गए और उसके बदले वो एक पदयात्रा में शामिल हुए। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।